हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आजकल तो हमारे वहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। देखिए, कल भी बारिश हुई थी, तो मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं और एकदम खिल उठते हैं सारे पौधे बारिश में। तो आज मैं आपके साथ कुछ इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि हमारे वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हमें लगातार हो रही बारिश से बचाना चाहिए। मैं उन प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी जो ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग लगाते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट से जो ऑक्सीजन से भरपूर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। आपने जैसा देखा भी होगा, आप कितने दिन पानी ना भी डालें तो भी ये बहुत ही आराम से चलता है। और देखिए, मेरे इसमें गुल मेहंदी के भी प्लांट्स हो गए हैं और इसमें मेरे काफ़ी जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सारे कटिंग से लगाए हुए हैं और इनको मुझे अलग भी करना तो है। स्नेक प्लांट को आप बारिश से बचाएं थोड़ा। और फिर हमारा नेक्स्ट नंबर पे है एलोवेरा का प्लांट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए। और ये देखिए, इसमें मेरा काफ़ी पुराना प्लांट लगा हुआ है। इसमें से मैंने कुछ प्लांट्स अलग भी किए हैं, तो इसको आप पानी से ज़रूर बचाएं। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर पे है ये पत्थरचट्टा का प्लांट, जो ऑलमोस्ट सभी घर में होता है। बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, लेकिन इसको पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में अगर बात की जाए तो अगर आप इसे 3-4 दिन पानी ना भी दें तो बहुत ही आराम से चलता है। तो आप इसे ओवर वाटरिंग से बचाएं। और अगर आपके उधर लगातार बारिश हो रही है तो आप इसे लगातार बारिश से बचाएं, तो बहुत ही आराम से चलेगा। फिर हमारा है रमकैन का प्लांट। बहुत ही अच्छा खूबसूरत शो प्लांट है। और ये प्लांट मेरे पास दो है, जिसे मैंने एक ही से प्रोपोगेट किया था। मैं इसे गर्मी में लगभग 3 दिन, कभी मुझसे 4 दिन भी गैप हो जाता है, छोड़ के पानी देती हूँ, फिर भी ये बहुत ही आराम से चलता है। तो आप इसे लगातार हो रही बारिश से बचाएं। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जो भी प्लांट है जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, सबके आप ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर पे है ये जेड प्लांट, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसकी आप टोपियारी देखिए, मैंने बनाई थी, कल बहुत तेज़ हवा वगैरह चली है तो ये आगे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। मैं इसको अभी बांधूंगी। तो इसको ये बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और कम पानी में बहुत ही आराम से चलता है। फिर हमारा है ये कोलियस का प्लांट। देखिए, एक ही पॉट में मेरा ये दो प्लांट लगा हुआ है। मेरे पास अभी उतना स्पेस नहीं है, मैं देखूंगी पॉट ले आऊंगी तो इसको अलग करूंगी। और बहुत ही दोनों खूबसूरत लगते हैं। इसके मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं और चारों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है और उतनी तेज़ धूप भी बर्दाश्त नहीं करता है। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, अच्छा कलर इसका मेंटेन रहेगा, प्लांट भी आपका बहुत ही अच्छे से चलेगा। फिर हमारा है मॉस रोज़ का प्लांट, जो ऑलमोस्ट सभी के घरों में रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें हाइब्रिड वाले पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, ये बहुत जल्दी बारिश के मौसम में ख़राब होती है। जो हमारा देसी वाला है वो तो बहुत आराम से चल जाता है, बट हाइब्रिड वाला अक्सर ही ख़राब हो जाता है। मेरे से भी कई बार ख़राब हो गया है। क्या होता है कि अक्सर ऐसे अचानक से बारिश आ जाती है तो फिर बार बार अंदर रखो फिर बाहर रखो, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये है विनका भी है, देसी वाला बहुत आराम से चलेगा बट हाइब्रिड वाले में दिक्कत आती है। तो आप इन सबको बारिश के मौसम से बचाएं और ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें ताकि आराम से जितना भी बारिश का पानी है या जो भी हम रोज़ पानी डालते हैं एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। फिर हमारा है जितने भी हमारे पास बल्ब्स के प्लांट होते हैं, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए सारे ही पॉट्स की। और इसकी तो जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं उनकी तो आप बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं। तो आप इनको भी थोड़ा सा केयर करें बारिश के मौसम में। फिर हमारा है ऑब्वियसली अडेनियम, जिसके कॉर्डेक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनकी खूबसूरती इनके कॉर्डेक्स की वजह से ही है और कॉर्डेक्स ही अक्सर ख़राब होते हैं ओवर वाटरिंग से या फिर बारिश के पानी से। तो आप अडेनियम्स पे ज़रूर ध्यान दें, जब ज़्यादा बारिश हो रही हो तो उनको शेडी एरिया में या फिर ऐसी जगह पे कवर एरिया में कहीं शिफ्ट करें ताकि ये बारिश के पानी से बचे रहें। फिर हमारा नेक्स्ट पे है गजानिया का प्लांट। इनको जैसे अभी बहुत तेज़ धूप
या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि ये ठंडी का प्लांट है। तो अगर नेक्स्ट सीजन में हमको इसको चलाना है तो इसको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। फिर हमारा नेक्स्ट पे है ट्रायंगल हार्ट का प्लांट, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इनकी पत्तियों में ही पानी इतना रहता है कि इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, तो इनको भी ओवर वाटरिंग से और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं कह रही हूँ, चाहे आपके बास्केट वाले प्लांट हो या फिर जितने भी पॉट्स के प्लांट हो, आप अपने सारे पॉट्स के ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, वरना आपको बारिश के मौसम में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, प्लांट्स आपके ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो आपके प्लांट्स बहुत हद तक बचे रहेंगे, प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे, मिट्टी अच्छी रहेगी तो प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप इन दो चीज़ों का अच्छे से ध्यान दीजिए, आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी भी बातें मुझसे शेयर कीजिएगा। तो गार्डन को इजी बनाइए, सिंपल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।